मिर्जा जैन बेग के साथ हम मौजूद हैं फरेब के सेट पर। तो क्या कर रहे हैं आप? जी हम बिल्कुल फरेब के सेट पे हैं, काम चल रहा है, प्रोजेक्ट भी ऑन एयर है, प्रेशर है थोड़ा सा, जाहिर बात है इस बात का, तो बस काम चल रहा होता है। तो आपका किरदार हमने इस ड्रामे में, सबके किरदार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका भी हमने देखा है, तो क्या था एक शुरू में? एक वो लड़का होता है, वो जाके लस्सियाँ पी रहा होता है, और जो है ये किस तरह से ये जी जी आई थिंक ये जिम्मेदार टाइप का लड़का है, घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, सारा घर का सब कुछ ये चला रहा होता, तो ज्यादातर वक्त ये अपने बाहर ही गुजारता है, तो बाहर उसी तरह का इसका चाल ढाल, आओ भाओ, बात करने का तरीका सब उसी तरह का है जैसे स्ट्रीट्स पर होता है या अड्डे पे जाता है तो उस तरह से होता है। तो बाकी बहुत फरमाबरदार है अपने बड़े भाई का, अपनी भाभी का, तो बस उसी तरह से कहानी अनफोल्ड होती चली जाती है। तो अब ये बताएं कि आपका ये जो करेक्टर है, ये अभी इसमें और कोई नई चीज आएगी कि या फिर इसको हम इसको वैसा ही ये पूरा लीनियर ही टाइप का है? नहीं, लीनियर नहीं है इसमें बिल्कुल, इसके क्योंकि इसको भी हमने इंसानी दिखाया है, तो इसके अलग अलग शेड्स हैं, इसको ये प्यार मोहब्बत से भी बात करता है, प्यार भी होगा इसको, इसको भाभी की इज्जत भी करता है, उसके बाद फिर इसको जाहिर बात है थोड़ा सा इसका गुस्सा का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहता है, तो उस हिसाब से आगे चीजें होंगी, 18, 19, 20th एपिसोड के अंदर चीजें बदलेंगी, तो वो आई एम श्योर ऑडियंस ज्यादा आगे निकल के आएगा ये करेक्टर, क्योंकि हमें शुरू से मतलब लग रहा है अभी देख करना कि ये आगे कुछ इसका होगा। अच्छा ये बताएं, आपने अभी तक जो रोल्स किए हैं तो आपको सबसे ज्यादा मजेदार रोल अपना कौन सा लगा? सबसे मजेदार रोल बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि बाकी ड्रामों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि तो मैं आपके अपने रोल है ना, जी 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 आपके रोल है वो, अब नहीं वो असल में मेरे ही कैरेक्टर के साथ ना, क्योंकि मैं इतने प्यार से करता हूँ हर कैरेक्टर को, अपने लिए करता हूँ, तो मेरे लिए इतने क्लोज हो जाते हैं, जैसे इस वक्त मेरे लिए सुल्तान बहुत क्लोज है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको मैं जिसकी फील शायद मैं नहीं भूल पाया हूँ। एक मैंने ड्रामा किया था मेरा रब वारिस ड्रामा था एक, उसके अंदर मैंने रोल किया था, वो बहुत ही अच्छा रोल मुझे लगता है, वो ड्रामा अच्छा भी काफी जी 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 तो वो एक काफी सॉफ्ट हार्टेड सा लड़का था, उसको तो वो पता नहीं कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर रह गया है। फैजी नाम था उस कैरेक्टर का, बिल्कुल मैं नाम से कॉल कर जी 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 फैजी। तो किस तरह क्या अच्छा वो आपको, तो आपका मेमोरेबल रोल है जिसको आप कहते हैं कि वो आज भी आपके साथ रहे? जी जी जी। कौन सा रोल ऐसा है जो जैन को करने की ख्वाहिश है कि ये मुझे रोल करना है, ये मेरा टारगेट है? ख्वाहिश ख्वाहिशात इतनी नहीं है मेरी, वैसे तभी मैं थोड़ा ज़्यादा खुश रहता हूँ। अच्छा। इतनी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी रोल को करने की, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखता हूँ, लेता हूँ, गोल जिंदगी के दूसरे सेट किए हुए, कैरेक्टर्स आते रहते हैं, उनको जो मुझे पसंद आता है स्क्रिप्ट पढ़ के, जिसके डायलॉग्स अच्छे होते हैं, जिसमें मुझे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस मार्जिन होता है, मैं उस हिसाब से कैरेक्टर्स को लेता हूँ और स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता हूँ फिर। अच्छा ये बताएं, आपकी जो को स्टार्स हैं तो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किससे मिलती है? आई थिंक जैनब के साथ हमने काफी काम किया, मैंने मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है तो अच्छी केमिस्ट्री मेरे साथ में मिलती है। आई थिंक सो। किसके साथ काम करना है आगे? हाँ। नहीं ये तो नहीं सोचता मैं। नहीं सोचते? नहीं। अच्छा ये नहीं सोचते कि स्क्रिप्ट के साथ-साथ के बाकी कास्ट है तो मैं भी कर लूंगा, अच्छा ये लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ दो तीन चीजें देखता हूँ उसके अंदर, कास्ट इतनी मेरे लिए दूसरी कास्ट इतनी अच्छी होती है सभी, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि सारे लोग अपने अपनी कैपेसिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होता है वो मेरा अपना कैरेक्टर होता है, दूसरा डायरेक्टर ऑब्वियसली डायरेक्टर कौन है, और जो मेरे मैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ करता रहता हूँ उनके साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, बाकी प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट ये ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए, बजाय से कि मैं अपने को स्टार या को एक्ट्रेस के साथ मैं देखूं कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा ये वो, आई थिंक ये दूसरों का काम है, उनको मैंने वही ठीक तरह से जानते हैं। ठीक है, तो फेवरेट डायरेक्टर कौन से आपके? एक नहीं है मेरे, काफी सारे हैं, नाराज नहीं होगा? नहीं काफी सारे हैं, जैसे अभी मोहसिन भाई के साथ ही मेरा तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है, ऐसा जबल है, वजहत बहुत अच्छा काम करते हैं, वजहत जिनके साथ खुदा और मोहब्बत शूट हुआ था, तो और भी हैं काफी हैं मेरे में। खुदा और मोहब्बत वाला करेक्टर आप जी को आपने उसका नाम लिया फैजी के लिए, खुदा और मोहब्बत में अभी आपका करेक्टर एक बड़ा मायने रखता जी, था जी, उस पूरी स्टोरी के अंदर जी, जिसके अंदर जैसे कहते हैं ना वो स्टोरी का और आप जो एक जो आपके करेक्टर के साथ एंड जो होता है वो स्टोरी को जिस तरह वो आगे लेके चला था, तो उस करेक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ तैमूर अच्छा लड़का था, तैमूर बहुत ही सुलझा हुआ पढ़ा लिखा सा
मजे का कैरेक्टर था वो भी, और मैंने वो भी बड़ा कोशिश की थी कि उसको कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट में निकाल के उभार के लेकर आए कि यार ये भी कोई है स्क्रिप्ट में, तो उस पर भी मजा आया था करने में। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने मलाले यार मलाज किया था, वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। तभी मैं कह रहा था कि एक को मैं सिलेक्ट करूंगा ना बाकियों के साथ ना इंसाफी हो जाती है, जैसे ये मेरे मुझे बहुत पसंद है। यार ना बिछड़े का एक कैरेक्टर था आजर खान का, वो बहुत मजे का कैरेक्टर था, जो वो भी उसकी भी कुछ लाइंस कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मतलब वो मेरे साथ रह गई कहीं ना कहीं। तो अपने अपने कैरेक्टर से मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। जी हाँ, तो आगे अभी बताएं फिल्म में कब आ रहे हैं? मुझे नहीं पता ये, वैसे मुझे लगता है कि जब कोई अच्छी फिल्म बनेगी, कोई अच्छी फिल्म ऑफर होगी जिसको मुझे लगेगा कि मेरे, मुझे लगता है अल्लाह करवा देगा, अगर करवानी होगी तो। अगर हाँ, बाय नॉट, एक देखे एक्टर जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक बड़े पर्दे पे अपने आप को सिनेमा में देखे, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस चीज़ें बने, तो चाहता तो हूँ ऑब्वियसली, लेकिन डेस्परेट नहीं हूँ मैं इस मामले में कि मुझे डेस्परेशन में मुझे आना है। जैसे कुछ फिल्म आई मुझे ऑफर हुई, मुझे लगा नहीं कि मुझे करनी चाहिए तो नहीं की मैंने, तो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट गुड कैरेक्टर, तो वाई नॉट, इतना तो हक बनता है। अच्छा आखिर में बताएं, अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, रहता वही रहता वही रहता। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।